लागो कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल महल के भीतर खूटी के ऊपर रह चादर से ढाकल हो रह चादर से ढाकल कौन जतन से चोरवा पैठले कौन जतन से चोरवा पैठले त दाग लगा के भागल चुनर में दाग कहाँ से कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल। नमस्कार दोस्तों, संगीत कला म्यूजिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए आज हम लोग एक गोपाल राय का गाया हुआ निर्गुण गीत सीखते हैं, जो आप सभी के ही रिक्वेस्ट पर है। तो आइए इस गीत को आज हम सब समझते हैं हारमोनियम पर किस प्रकार है नोटेशन के साथ में। तो समझने से पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं स्वर कौन कौन से लग रहे हैं, गाना कहाँ से कहाँ तक बज रहा है, फिर इसको विस्तार में नोटेशन के साथ में समझते हैं। तो मैं गाना प्ले करूँगा यहाँ से। ये मेरा सा रहेगा, सी सार पहली काली, सा रे ग म प ध नि सा, ऊपर के स्वर में एक रे, तो इस सा से लेकर इस रे तक गाना कम्प्लीट हो जाएगा और इसमें सारे के सारे शुद्ध स्वर लगेंगे। और देखा जाए तो निर्गुण हुआ पूर्वी हुआ इसमें अक्सर शुद्ध स्वर ही लगते हैं, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इस गाना को चालू करते हैं। गाना बज रहा है प से। और एक चीज़ और मैं आप सबको बता देता हूँ, जब गाना हम हारमोनियम पर बजाते हैं तो स्पीड में जब बजाएंगे तो ब्लिंक होगा, और जब स्लो में गाएंगे तो स्वर पर रुक रुक करके गाएंगे, मतलब किस स्वर पर कितना रुकना है ये चीज़ को समझ होना चाहिए अपने अंदर, रुक करके बजाएंगे। और जब बजा रहे हैं गाना हम तो स्पीड में बजाएंगे तो ब्लिंक करके बजाएंगे, जैसे बज रहा है। अब इसी को जब हम गाएंगे तो दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल, तो इस प्रकार रुक के बजाएंगे। दाग दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल, पहला लाइन ये है। अब इसका नोटेशन, दाग प पर बज रहा है, दाग प प दाग कहाँ, ऐसा हो रहा है, कहाँ पध प कहाँ से कैसे हो रहा है, ध प से लागल मगर लागल चुनर में। अब देखिए कैसा हो रहा है, लागल मगरे चुनर में चुनर में। अब इसका ग का हम कर्ण भी ले रहे हैं, और नहीं तो इसको बोलेंगे
चुनार में गरे सा, चुनार में, चुनार में, ऐसा बोलेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। दाग दाग, अब ये देखिए दा और अ का मात्रा एक आ रहा है तो ये सा पर आ रहा है। दाग सा सारे कहाँ से लागल रे गरे सा सा। क्लियर, एक बार और देखिए एकदम बिल्कुल स्लो में। दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल, दाग कहाँ से लागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल। ये है मुखड़ा का एक लाइन। अब इतना बजाते हैं तो मुखड़ा कंप्लीट। अब हम चलेंगे अंतरा पर। अंतरा भी चालू हो रहा है देखा जाए तो यहीं से प से ही। कैसे है देखिए, फिर नोटन समझते हैं। महल के भीतर खूंटी के ऊपर रह चादर से ढाकल हो, रह चादर से ढाकल, अब देखिए इसका नोटेशन। महल महल के पपधा, महल के भीतर, अब कैसे हो रहा है, कितना किस पर रुकना है ये आप सभी को ही देखना है। कैसे, महल के पपधा, महल के भीतर धप खूंटी के ऊपर, खूंटी के ऊपर पध प पध प ऊपर मामा, खूंटी के पध पध प ऊपर मामा रहे 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 गरे चाद रहे चादर से, रहे चादर से, ऐसा हो रहा है, चादर से रे रे सा सा ढाकल हो सा सा ग रहे चादर से ढाकल, रहे ग ग चादर से ढाकल रे 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 सा सा। फिर से देखिए, महल के ऊपर खूंटी, महल के भीतर खूंटी के ऊपर रहे चादर से ढाकल हो, रहे चादर से ढाकल। आगे कौन कौन जतन से चोरावा पैठले, कौन जतन से चोरावा पैठले त दाग लगा के भागल चुनर में, दाग कहाँ से लागल। नोटेशन, कौन पध जतन से धधसा चोरवा निरेसा पैठले निधप। अब इसको एक बार और बजाएंगे। कौन पध जतन से धधसा चोरवा निरेसा पैठले त, तम पर आएंगे यहाँ, निध निध प म प
पैठले त निध पम त का म दाग 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 पद ध लगा के ऐसा हो रहा है दाग पद ध लगा के ध पध प भागल भागल म भागल मगरे सा भागल चुनर में सारे सा दाग सा सारे कहाँ से रे गे लागल सा सा। इतना बजाने के बाद फिर यही बजाएंगे दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल दाग कहाँ से लागल चुनर में दाग कहाँ से लागल। तो इसी प्रकार बजता है। अब इसके बाद दूसरा अंतरा जो है तो सेम टू सेम नोटेशन लगेगा, यानी जो हम लोग अभी बजाए वही सेम टू सेम नोटेशन रहेगा, शब्द चेंज होते रहेंगे। तो देखा जाए तो ये गाना कंप्लीट हो गया, इसी को आप सब बजा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा, आप सब इसको तैयार करें और इसका आनंद उठाएं। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।